तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मेरे रूम में ऐसे घुसने का? ये सब का है? तुम्हारे सामान में सब घर वालों की तस्वीरें हैं, सबके बैंक अकाउंट के सारी जानकारी है, और तो और बिजनेस का बही खाता भी है। तो आज तुम सबके सामने खुद बताओगे कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, बताओ। इसका मकसद हम बताते हैं। सूर्या इस घर से और हम सब से नफरत करता है। अगर इससे सच सुनने के लिए हम लोग इंतजार करेंगे ना तो वक्त निकल जाएगा। अब बताइए ये राउडी रेड्डी यहाँ कहाँ आया है? हमरे अलावा यहाँ कौन और भी है जो ये सच जानता है? मीरा की डिलीवरी होने वाली थी, गुड़िया के पापा अस्पताल पहुंच गए थे और हम ये बात जानते थे कि अगर बेटा घर आ गया तो ना हमें पूछेंगे ना हमारी गुड़िया को। अपनी गुड़िया की चिंता में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी अम्मा जी। उस अस्पताल में एक नई नर्स आई थी सरला, हमने उसे पैसे दिए और हमने उसे कहा कि वो मीरा के बेटे को गायब करने में हमारी मदद करे। उस छोटे से बच्चे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी और वो हमारे पति की धोखे की निशानी था और उसे हम अपनी गुड़िया की बर्बादी का कारण नहीं बनने देना चाहते थे। हमें लगा हमने अपना और अपनी गुड़िया का भाग बदल दी और बाद में हमें पता चला कि मीरा ने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सरला ने मीरा से कह दिया कि उसका जुड़ा हुआ बच्चा पैदा होते ही गुजर गया और फिर गट्टू घर आ गया। ये बात सिर्फ सरला और हम जानते थे कि गट्टू का एक और भाई है। अम्मा जी, इतना बड़ा पाप करने के बाद हमसे एक भी दिन नहीं गुजारा जा रहा था, इसीलिए हमने सरला से कहा कि वो रात को जाए और उस बच्चे को ले आए। वो वहां गई और बच्चा वहां नहीं था। हमें क्या पता था कि एक दिन वो बच्चा बड़ा होकर अपने घर वापस आ जाएगा। और वो बच्चा और कोई नहीं अम्मा जी, सूर्या था। ये मेरे बाबू का भाई है, दिल के बुरे थोड़ी हो सकते हैं। ये लोगों से मेरा खून का रिश्ता हो सकता है पर मेरे लिए उस रिश्ते का वैल्यू बिल्कुल जीरो है। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया, रघु और नाग का पता लगा के तेरे आंसुओं का हिसाब लेने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।